पीएम मोदी कैनेडियंस ने वीजे ना करन रद्द। पंजाब दी आर्थिकता नु हो रहा है वध तो वध नुकसान, इसे लई पीएम मोदी ध्यान देन इन्हां मुद्दियां उत्ते। जिम्मेदार है कैनेडा दे नागरिक हरदीप सिंह निज्जर दे कतल दे पिछे, जिस तो बाद लगातार ही मामला पकदा होया नजर आ रहा है। यह मामला इस कदर पकिया है कि जिस तरीके दे नाल भारत सरकार दे वलो कैनेडा दे जिहड़े भारतीय मूल दे जिहड़े लोग ने उन्होंने दे वीजे बंद कर दिए गए ने। हालांकि यह वीजे जो अस्थाई रूप के नाल बंद किए गए हैं। हुण दस्सीए कि काफ़ी ज़्यादा पंजाब नूं इसका खामियाजा भुगतना पै रहा, जिस तरीके दे नाल NRI लोग जो नवंबर तो लैके जनवरी तक भारत आउंदे ने, जिस तो बाद पंजाब की काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर फर्क पैंदा है, जिस दे नाल ही लोगों के अपने कम जमीन के कम होंदे ने, इस दे नाल ही कई होर मामले भी होंदे ने, जिस नूं लैके हुण जो आम आदमी पार्टी के विधायक सुशील रिंकू ने वह CPM मोदी नूं उन्हां दे वल्लों मंग पत्र दिता गया ते उन्हां दे विशेष सलाहकार दे नाल ते उन्हां दे PA दे नाल गलबात की गई है। इस दे नाल ही उन्हां दे वल्लों पूरे मामले दे विच ना फसते हुए अपना पक्ष भी रख्या गया। दरअसल तुहानूं दस दईए कि इह जिहड़ा सर्दियां दा मौसम हुंदा है, विआहां दा मौसम हुंदा है, ते ज़्यादातर लोकी NRIs जिहड़े ने उह अपने विदेशां तों पंजाब वापस परत के अपने बच्चियां दे विआह करदे ने, ते इस दे नाल ही जमीनां दे कई काम हुंदे ने, जिस नूं लै के पंजाब दे विच काफ़ी दिक्कतां आउंदियां ने। इस नाल ही जिस तरीके दे नाल इह NRI वीर जिहड़े ने पंजाब वापस आते हैं, जिस दे नाल पंजाब की आर्थिक व्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचता है। इस दे नाल ही पंजाब के टूरिज्म दे विच भी काफ़ी वाधा होंदा है। हुण जिसनों देखते हुए MP सुशील रिंकू दे वल्लों जो है अपनी गल्लां जो है PM मोदी तक पहुँचाई गई ने। इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी के सांसद मैंबर सुशील रिंकू ने कैनेडा स्थित भारतीय दूतावास के वलों कैनेडा तो भारतीय प्रवासियों नूं भारत आने लई वीजा ना देण कारण कई आ रही मुश्किलों के मद्देनज़र दिल्ली दे विच PM मोदी के सलाहकार तरुण कपूर दे नाल मुलाकात की। सारी गल सामने लियांदी आ, मामला उदों ध्यान विच आया है जदों तरुण कपूर दे नाल गलबात दौरान सुशील रिंकू ने मंग पत्र दिता। मंग पत्र दे विच PM मोदी नूं अपील की गई है कैनेडा दे विच भारतीय दूतावास के अधिकारियों नूं प्रवासी भारतीयों नूं वीजा जारी करन उत्ते रोक नूं हटाने दी हदायतां भेजण। संसद मैंबर ने ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਲੀੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ NRIs ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। इस वेले दी वड्डी खबर से इस तरीके दी वड्डियां ते ताजियां खबरां देखने के लिए जुड़े रहो TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।